रीवा से अलग होकर नया जिला मऊगंज, मऊगंज के विधायक प्रदीप पटेल अक्सर सुर्खियों में रहे हैं। आपने पहले भी देखा है देर सवेर कभी धरने पर बैठना, जिला सहकारी बैंक में कभी अधिकारियों के चैम्बर में जाकर धरने पर बैठना, और पिछले दिनों एक सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ कि वो वहाँ पर एक पुलिस अधिकारी के चैम्बर में गए और मेरी हत्या हो जाएगी, हत्या करवा दीजिए, तमाम तरह के वाक्ये हुए, उनके सामने दंडवत हुए और अपराध और नशेगत अपराध का मसला छेड़ा। सरकार किसकी है, सरकार कितने साल से है, और किस सरकार में आप विधायक हैं और किस पार्टी से विधायक हैं, जनता ने चुना है उनको खुद पता होगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, मऊगंज नया जिला बना, और नया जिला बनाने के पीछे बहुत सारे घटनाक्रम रहे, तमाम कुछ पुराने लोगों ने जो लड़ाई लड़ी, फिर उसके बाद भौगोलिक स्थिति ऐसी मऊगंज की रही कि ये हुआ कि एक नए जिले का गठन हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे मध्य प्रदेश के, तो उन्होंने मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा कर दी। मऊगंज से रीवा की कनेक्टिविटी दूर थी, बहुत दूर आना पड़ता था तमाम प्रशासनिक कामों के लिए, किसानों को परेशान होना पड़ता था, बहुत सारे घटनाक्रम थे। मऊगंज जिला बन गया, एसपी की तैनाती हो गई, कलेक्टर बन गए, सब कुछ हो गया। सवाल तो प्रदीप पटेल से भी पूछे जाएंगे कि आप जनप्रतिनिधि हैं और कितने लंबे समय से, आपको लगभग आप एक पूरा टर्म कंप्लीट करके दूसरे में हैं, आपने हर परिस्थितियों को समझा है, तमाम आंदोलनों की बात करते हैं, लेकिन ये परिस्थितियां तो पहले से हैं, आपकी सरकार है, आप स्पष्ट रूप से ये कहिए कि आपकी सरकार में आपकी सुनवाई नहीं है। जनप्रतिनिधि का सशक्त होना बहुत बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ही गृहमंत्री हैं, और आपको जब विवश होकर दंडवत होना पड़ रहा है तो आप उस बेचारे गरीब मजदूर और उस लाचार जो न्याय के लिए भटक रहा है उसकी स्थिति को समझिए। वो कहां जाएगा, उसके पास तो गाड़ी भी नहीं है, प्रोटोकॉल भी नहीं है। आपने कहा मैं अपनी सुरक्षा छोड़ देता हूं, ये कर देता, लेकिन जिस सरकार के सामने आपको जाकर ये करना है, आप जाइए मुख्यमंत्री के सामने, अभी आप थे इसी कॉन्क्लेव में, आप दिखे हैं मुख्यमंत्री के साथ, दिव्यराज सिंह के निवास किले में भी आप थे, आपको दंडवत वहां भी होना चाहिए था। जिस व्यवस्था को सुधारने की बात हो रही है, पब्लिक जिन चीजों से परेशान है उस पर अटेंशन के लिए यह बहुत अच्छा मसला है, लेकिन सवाल तो न्याय का है, सवाल तो पूरी व्यवस्था को सुधारने का है, सवाल तो अपराधियों के खिलाफ सही लड़ाई लड़ने का है। और आप अगर आपने ये लड़ाई शुरू की है तो मऊगंज के बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, आप अब कंटिन्यू अपने विधायक को कहिए कि इस पूरे मसले पर जब तक शून्य नहीं हो जाए नशे का कारोबार, तब तक आपके विधायक को लड़ाई लड़नी होगी और मुख्यमंत्री से भी लड़ना होगा। नया जिला बना है, उसे व्यवस्थित बनाना है, अगर सिर्फ एक स्टंट की तरह किसी चीज का इस्तेमाल करके और फिर धीरे से किनारे हो जाना है, ये जनता को शायद बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आपने चुना है, वोट दिया है, तो ये सवाल वहां पर भी मुख्यमंत्री से उठाया जाना चाहिए, डीजीपी से उठाया जाना चाहिए और लगातार उठाया जाना चाहिए। क्या पता इसके पीछे की कोई और पॉलिटिक्स हो, और मैं चाहता हूं कि जिनको जानकारी हो वो इस रिपोर्ट के बाद कमेंट सेक्शन में और भेजें कि मसला क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि विधायक को दंडवत होना पड़ा। और दंडवत अगर होना पड़ा तो ठीक है, भोपाल तक ये लड़ाई लड़िए, आप क्षेत्र के लोगों को लेके जाइए कि ये कारोबार रुकना चाहिए, और हो सकता है रुके। जवाब सरकार को देना पड़ेगा, यानी विधायक को भी देना पड़ेगा। विधायक जिम्मेदार क्यों नहीं है, आप 6-7 सालों में क्या व्यवस्था नहीं सुधार पाए, 6 साल लगभग होने वाले हैं, सुधारना था, पहले भी आप तमाम मुद्दों को लेकर मुखर रहे हैं, बोलते रहे हैं, लेकिन यहां पर लोग जवाब भी चाहते हैं, जनप्रतिनिधि से भी चाहते हैं। जनप्रतिनिधि अगर सिर्फ लड़ाई लड़ रहा है और अगर अधूरी लड़ाई लड़ रहा है तो सवाल तो खड़े होंगे। वहां के पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह ने भी तमाम तरह के आरोप लगाए थे, मैं उन आरोपों पर नहीं जाना चाहता, लेकिन जो लड़ाई शुरू की गई है वो लड़ाई मुकाम तक तो पहुंचनी चाहिए।
और ये आपकी जिम्मेदारी होगी विधायक प्रदीप पटेल जी कि आप मऊगंज को पूरी तरह से नशे से मुक्त कराएं, क्राइम से मुक्त कराएं। आप जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं, जनता ने आपको फिर से चुन के भेजा है, और आप अगर शायद जनता को भी ठीक नहीं लगा होगा कि हमारा जनप्रतिनिधि दंडवत हो रहा पुलिस वालों पुलिस अधिकारियों के सामने, तो आपके साथ इमोशनली भी लोग जुड़े हैं। आप मुख्यमंत्री के सामने भी जाइए और इस बात को लगातार उठाइए, शायद इससे समाधान हो जाए। क्योंकि पुलिस महकमे को तो आपने बताया है कि काम नहीं हो रहा है, नशे का कारोबार बढ़ रहा है और इससे रीवा बुरी तरह प्रभावित है। इस बात को हम एग्री करते हैं आपकी बात को, लेकिन अगर आप विपक्ष में होते तो एक बार यह भी होता कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही। आप सरकार में हैं और अगर सरकार में होते हुए आपकी बात नहीं सुनी जा रही तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और आपको लगातार इस मुद्दे पर आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।